बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ अवान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम पाकिस्तानियों को याद दिलाता चलूं, मौजूदा जो लंगड़ी लूली हुकूमत बन रही है, ये लोगों का वोट चोरी करके और इमरान खान के डर की वजह से बनाई जा रही है। कल तक जरदारी को लड़काना की सड़कों पर घसीटने वाला शहबाज शरीफ आज उसको सदर पाकिस्तान की कुर्सी पर बिठाने के लिए सबसे आगे आगे नजर आ रहा है। सारी दुनिया जानती है ये लोग पाकिस्तानियों का मैंडेट चोरी करके हुकूमत बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये लोग हुकूमत नहीं बनाते तो इमरान खान हुकूमत में आ गया तो इन सब के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। अब सारे पाकिस्तानी इस मुल्क की बर्बादी का तमाशा अपनी आंखों से देखेंगे। ये ही वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क आज भी तबाही के दहाने पर खड़ा है। पिछले 40 साल से ये ही लोग इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं। पाकिस्तानी कौम का लाइनों में खड़े होकर वोट डालने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जिसको हम लोगों ने भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया था, उसके मैंडेट पर डाका मारकर हमारे वोट इन करप्ट लोगों की झोली में डाल दिए गए हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लें, जो लोग हुकूमत बनाने से पहले सौदेबाजियां कर रहे हैं वो हमारी बेहतरी के बारे में क्या सोचेंगे। ये करप्ट लोग भी समझ चुके हैं इस कौम ने सिर्फ 2-4 दिन बाहर निकलकर एहतजाज करना होता है, उसके बाद डंडे के डर से बाहर नहीं निकलती। गुलामी हमारे मुकद्दर में शुरू से ही लिखी हुई है। कसूर इन जाली हुक्मरानों का नहीं, इनको लाने वालों का है जिनके सामने ये लोग लूट मार करते रहे हैं, फिर इन ही लोगों को हमारे ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत करने जा रहे हैं। पाकिस्तानियों मायूस मत होना, ये इन लोगों की आखिरी तबाही है। इसके बाद इंशाल्लाह इन लोगों की तबाही शुरू हो जाएगी। जितनी बर्बादी इस मुल्क की इन लोगों ने अपनी अपनी बारियां लगाकर कर दी है, इसका हिसाब किताब इमरान खान इन सब से जरूर लेगा। ये लोग बहुत पहले अपने इंजाम को पहुंच गए होते अगर जनरल बाजवा इन लोगों का साथ ना देता तो। अब एक बार फिर इन लोगों से हर उल्टा काम करवाया जाएगा और उसके बाद फिर इमरान खान आएगा तो इन लोगों के पांव के नीचे से जमीन खेंक देगा। जिस तरह की फिरौनियत ये लोग कर चुके हैं, उसका हिसाब किताब इन लोगों को दुनिया में ही देकर जाना पड़ेगा। ये क्या समझते हैं, इनको मजलूमों की बददुआएं नहीं लगेंगी? जरूर लगेंगी। जिसने भी इस मुल्क में लाकानूनियत की है, कमजोर लोगों पर जुल्म किया है और अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाया है, सब अपने इंजाम को पहुंचते हुए नजर आएंगे। 40 साल से हमारे ऊपर काबिज, फिर उन्हीं लोगों को हमारे ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत करके उम्मीद लगाई जा रही है ये लोग मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये सिर्फ 25 करोड़ लोगों के साथ जुल्म है। इन लोगों की पहले फेरी गई तबाही सारी कौम आज तक भुगत रही है। अब आगे जो महंगाई का तूफान आने वाला है, सारी कौम कानों को हाथ लगाती हुई नजर आएगी। ये ही लोग थे जिन्होंने 16 महीने हुकूमत करके सारी कौम को फाकों पर मजबूर कर दिया था। अब फिर वो ही लोग हमारे ऊपर एक बार फिर मुसल्लत किए जा रहे हैं। 2/3 अक्सरियत से जीतने वाले को जेल के अंदर बंद किया हुआ है और ये लोग हुकूमत बनाने चल पड़े हैं। सारी दुनिया हमारे इंसाफ के निजाम का तमाशा देखकर हंस रही है। कैसे इस मुल्क में इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है और लोगों से उनके बुनियादी हकूक छीने जा रहे हैं। ड्राइंग रूम में बैठकर फैसले तो पहले ही हो गए थे, इलेक्शन तो सिर्फ खाना पूरी करने के लिए करवाया गया था। कोई भी पढ़ा लिखा और समझदार इंसान इस इलेक्शन को मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी गरीब कौम का 50 अरब रुपया इस जाली इलेक्शन में फूंक दिया गया है और हासिल क्या हुआ है, सिर्फ बदनामी। जब तक इस मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लागू नहीं होगा तो इसी तरह इलेक्शन में 2 नंबरी ही होती रहेगी और लोगों के वोट के हक पर डाका ही मारा जाता रहेगा। ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा और हम इन ही करप्ट सियासतदानों के रहमो करम पर रहेंगे। दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है और हम लोग आज तक इलेक्शन में ठप्पे ही लगा रहे हैं। धांधली करने का मंसूबा उसी वक्त बेनकाब हो गया था जब सारे मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। रात 12 बजे तक जीतने वाले पीटीआई के उम्मीदवारों की जीत को सुबह होते ही हार में बदल दिया गया था। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद
मुल्क है जहाँ जब किसी का दिल करता है इंटरनेट बंद करवा देता है। टेलीनार और भारत कंपनी भी इसी वजह से ही पाकिस्तान से भाग गई हैं। जो दो चार कंपनियां रह गई हैं वो भी यहाँ से बहुत जल्द ही भाग जाएंगी। लोगों से उनके बुनियादी हकूक तक छीन लिए गए हैं। हमारे मुल्क में बैठे हुए चंद लोगों ने सारी कौम को गूंगा बहरा समझ रखा है, मगर अब वो समझ चुके हैं पाकिस्तान का बच्चा बच्चा बाशहूर हो चुका है। लोग अपने वोट पर पड़ने वाले डाके का हिसाब मांग रहे हैं और पूछ रहे हैं हमारे डाले हुए वोट चंद करप्ट लोगों की झोली में क्यों डाल दिए गए हैं। हमारे ऊपर बैठे हुए चंद लोग हमारे मुकद्दर के फैसले ड्राइंग रूम में बैठकर लिख रहे हैं। इसीलिए इलेक्शन में होने वाली धांधली के खिलाफ सारा मुल्क आज सड़कों पर इस लूट मार के खिलाफ एहतजाज कर रहा है और लोग अपना हक मांग रहे हैं। सारी दुनिया कह रही है लोगों का मैंडेट चोरी करके बनने वाली ये हुकूमत ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं, मगर हमारे ऊपर बैठे हुए चंद लोगों की जिद है इन लोगों के हाथ में हुकूमत देकर इस मुल्क का मजीद खाना खराब करवाना है। पहली हुकूमत होगी जो सिर्फ पाकिस्तानियों की नफरत में बनाई जाएगी, फिर उससे अच्छे की उम्मीद कैसे की जा सकती है। पाकिस्तान का बिकाऊ मीडिया जो इमरान खान की दुश्मनी में दिन रात एक करता हुआ नजर आता था, बहुत जल्द इमरान खान की तारीफें करता हुआ नजर आएगा। इसी बात के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मजीद बोलने का मौका दीजिएगा। वस्सलाम, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।